रुदौली के एलएसडीपी पब्लिक स्कूल गौरैया मऊ और कैरियर मॉन्टेसरी स्कूल के भीतर किताबें बेची जा रही हैं और अभिभावकों पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि किताबें वहीं से खरीदें, जबकि शासन का स्पष्ट निर्देश है कि स्कूल किसी भी दुकान विशेष से यूनिफॉर्म किताब कॉपियां खरीदारी करने के लिए अभिभावकों को बाध्य नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी शासन के नियमों की धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि अभिभावकों पर इस प्रकार के प्रेशर बनाने पर स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं अभिभावकों ने बताया कि स्कूल से किताबें महंगे दामों पर बेची जा रही हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है शिक्षा विभाग में आदेश दिया है कि चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे आईएससी बोर्ड हो, सभी विद्यालयों के लिए निर्देश जारी किया गया है कोई भी विद्यालय जो है ऊंचे दामों पे किताबें जो है अपने से ना बेचे, बल्कि जो है स्टेशनरी की दुकानों पर से किताबें की बिक्री की जाए। लेकिन यहाँ पे रुदौली में जो कई ऐसे प्रतिष्ठित विद्यालय है जो अपने ही विद्यालयों से जो है किताबें बेच रहे हैं और कुछ अभिभावक भी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं क्या कहते हैं जो किताबें विद्यालयों से बेची जा रही है। हमारे बच्चे एलएसडीपी स्कूल में पढ़ते हैं और स्कूल से किताबें मिली हैं उन्हें, इनकी किताब टोटल मिलाकर के एडमिशन से फीस मिलाकर पूरा 12,500 रुपए का इनका बैठा था। किताबें करीब 3400-3500 के आसपास की सिक्स क्लास की और 2800 के आसपास की थर्ड क्लास की लमसम थी। शासन से रोक लगी तभी स्कूल में कहने लगे कि स्कूल से किताबें भी लिए, कॉपी भी जबरदस्ती दिया गया कि किताबी कॉपी भी लेना जरूरी है, पेंसिल भी रबर उसी में कर भी सब स्कूल से मिला है मुझे। मेरा नाम अंकित अग्रवाल, बच्चों का नाम मेरे कुश अग्रवाल और शिवी अग्रवाल है। बच्चे दो बच्चे पढ़ते हैं एलएसडीपी पब्लिक स्कूल गौरैया मऊ में, तो बुक हमारे वही दी गई। अभी हमको नहीं मालूम है कि हमें कितने रुपए का लगा है, मगर बुक को हमें वही मिली है और कॉपी भी वही मिली। अब मजबूरी से हमको तो वही बताएं कि वही मिलेगी, अलग तो मिलेगी नहीं, मजबूरी बस मजबूरी, इसीलिए हम लोग वही अपना ले लिए। ये तो हमें मालूम नहीं था पहले, नहीं तो हम बुक नहीं लेते उनके पास। अब हमको सूचना मिली है कि बुक स्कूल के माध्यम में वो लोग बेच नहीं सकते हैं, अब जैसे निर्णय ले सरकार। हमारा नाम महेश कुमार सोनी बेटी हुदा आफ्ताब कैरियर मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ रही है, वहाँ से कोर्स दिया गया है 4,000 रुपए का, कक्षा 7 का कोर्स है। शासन की मंशा है कि किताबों को स्कूल से न बेचा जाए बल्कि दुकानों से खरीदा जाए ताकि कुछ कम दाम में मिले, लेकिन यहाँ पर स्कूल से ही किताबें खरीदने पर विवश किया जा रहा है अध्यापकों को, ऐसा नहीं होना चाहिए। आफ्ताब अनवर कैरियर मॉन्टेसरी स्कूल ख्वाजा रदौली में मेरे बच्चे पढ़ते हैं फिफ्थ और सिक्स क्लास में, जो कि वो किताब जो है अपनी तरफ से देते हैं, जो उन्होंने 3600 रुपये की किताब दिया और शासन तरफ से जो कि रोक है, अगर हमको मार्केट से किताब ले तो हमें सस्ती मिलेगी। बात की गई तो अभिभावकों का साफ तौर पर कहना है कि किताबें जो है विद्यालय से खरीदना जो है हम लोगों की मजबूरी है, अगर नहीं खरीदेंगे तो बाहर से कहीं किताबें नहीं मिलेंगी, और ऐसा भी नहीं कि इसकी जानकारी अधिकारियों को भी नहीं, लेकिन अधिकारी भी कोई कार्रवाई करने से कतराते हैं। अब ये देखने वाला होगा कि ऐसे विद्यालयों के खिलाफ कब कार्रवाई होती है। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, सारना न्यूज, अयोध्या।